अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स और जो नॉन सब्सक्राइब भी है मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज का टॉपिक बहुत ही हटके है जो हम जनरल जो वीडियोस बनाते हैं वो है शादी मैरिज, क्योंकि शादी जितना आसान है इस्लाम में आज देखा जा रहा है कि उतना ही मुश्किल टॉपिक हो गया है। तो आज हम लोग आपके आके लाएंगे एक छोटा सा इंटरव्यू विद द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ मुबारक रिश्ते। तो इनसे पूछेंगे कि सोसाइटी या अतराफ सराउंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स है और इसके सॉल्यूशंस क्या है और हम ये क्यों फेस कर रहे हैं। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम व्यूअर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए और तमाम जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर शेयर कीजिए और ये वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम और आज हूँ मैं मोहम्मद शाहनवाज साहब के साथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो आप है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मुबारक रिश्ते, बहुत ही अच्छा मैट्रिमोनियल साइट है। हम देखे है, कई लोग हमें फीडबैक भी दिए थे कि करंट सिनेरियो पे जो हालात है आजकल, जो अनमैरिड है, जो प्रॉब्लम्स है, तो इसके बारे में वी थॉट के यू आर द बेस्ट पर्सन फिलहाल जिस बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, करंट स्टेटस क्या है हैदराबाद में लड़के और लड़कियों का जो अनमैरिड है। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। जो स्टेटस की बात कर रहे हैं आप जी, इट्स नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। बहुत लड़कियाँ खासतौर पर दे आर अनमैरिड, शादी की कोशिश में उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं। कई लोग आते हैं मुबारक रिश्ते में, वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी ट्राई टू फाइंड द गुड एंड बेस्ट मैच फॉर देम, लेकिन इतना आसान नहीं रह गया। इसकी एक ख़ास वजह ये, हम खुद अपने आप के प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। नो मैटर लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, दोनों का भी मतलब इतने प्रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग बना लिए। एग्जांपल देता हूँ मैं कि भाई मेरे भाई की बेटी को फॉर एग्जांपल एक एमडी डॉक्टर से निकाह हुआ, अब मैं मेरी बेटी के लिए वैसा ही देखूँगा। यार कम आउट ऑफ इट, सबका अपना अपना एक किस्मत लिखा है अल्लाह ताला ने। अच्छी सोसाइटी, अच्छा घराना, आपके हिसाब का घराना, ये देखिए, सबसे ख़ास तौर पे दीन देखिए, बच्चे में हो या बच्ची में हो, माशाल्लाह आगे बढ़िए। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि मतलब कोई अच्छे घराने में दे रहा तो हम भी वही घराने में देंगे? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि उससे बेहतर घराने में देने की सोचिए आप, या उससे बेहतर घराने की बच्ची को लाने की सोचिए। लेकिन थोड़ा अपने आप को भी देख लीजिए, अपना बेटा क्या कर रहा है, अपनी बेटी क्या कर रही है, क्या पढ़ी हुई है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। और हो सकता है कि उनसे बेटर आपकी बच्चा या बच्ची उससे कम भी रहने के बावजूद अल्लाह ताला दे सकता, इसके लिए दुआ करिए। कई बार लड़की का रिश्ता रहो या लड़के का, डिले करते रहते कि कल अच्छा आएगा, कल अच्छा आएगा, कई बार ऐसा हो रहा है कि दे आर क्रॉसिंग द एज। हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइम इसके अंदर? देखिए, द बेस्ट एज जो हमारी कानून भी बता रहा है कि 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, बिल्कुल 21 ईयर्स फॉर बॉयज, वहाँ से एटलीस्ट देखना शुरू कर लीजिए। एंड बाय द टाइम योर डॉटर इज़ ग्रेजुएट 21, 22, मैक्स पीजी कर लिए अगर वो 23, तब तक फाइनल होके रेडी रख लीजिए रिश्ते को। और लड़के के लिए ये ज़रूरी नहीं है बच्चा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमटेक कर लिया या वॉट एवर, और अभी तक सही जॉब नहीं मिली, रिश्ते तो देखना शुरू करिए। एक जो मेजर प्रॉब्लम आजकल देखा जा रहा सोसाइटी में, दैट इज डाउरी, दहेज जिसको बोलते हैं जी। कई रिश्ते लोग कंप्लेंट करते कि बातचीत पर आकर सब अच्छा रहता, फिर दहेज की बात जब आती स्टेप बैक हो जाते हैं। आपकी क्या राय है और इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया? वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। देखिए, पहली चीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड डाउरी इन इस्लाम, इंस्टेड मेहर होना चाहिए। लड़का लड़की को एक अच्छी रकम देकर उस वक्त या थोड़े मोहलत से निकाह करना है। अब डाउरी, डाउरी के बहुत शक्ल है। अब डिमांड नथिंग कॉल्ड इन कैश, लोगों की उसकी 10 गुना ज़्यादा बढ़ा लिए, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। 10 गुना बढ़े कैसे? मियारी शादी, अच्छा लाविश, जो लाविश स्पेंडिंग ऑन दैट वन डे,
सिर्फ लड़के वालों को भी मैं ब्लेम नहीं करूँगा. आई मीट लॉट ऑफ पीपल, ब्राइड्स फैमिलीज, ग्रूम्स फैमिलीज. हमेशा लड़के वालों का कसूर नहीं है. कई बार मेरे पास खुद लोग आते हैं कि हमको ऐसी फैमिली होना है जहाँ एक पैसा नहीं लेना है, हमको एक जोड़े में लेके जाना है. हम वैसे कई रिश्ते क्लोज करने पे आते हैं, लेकिन लड़की वाले फिर रिश्ते को तोड़ते हुए देखा होगा. अच्छा. और उसकी बुनियाद ये है, हम ऐसा कैसा दे सकते हैं हमारी बच्ची को, ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, जानने वाले क्या बोलेंगे. तो ये एक माशरे का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कई लोग लड़की वाले भी चाह रहे होंगे कि सिंपल इस्लामिक वे में शादी हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो. उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न दैट कुड बी इज़, अगर वैसा निकाह कर दिए जी, तो फिर ख़ानदान और दोस्त वाले कुछ दूसरी चीज़ें भी सोच सकते हैं. अच्छा. अल्लाह माफ़ करे, बच्ची का शायद पहले से कुछ था, पहले वो लोग निकाह कर लिए, अब खाली रिसेप्शन दे दे रहे ख़ानदान वालों को. तो मेहर पर क्या स्ट्रेस करेंगे आप, डौरी और मेहर? डौरी का मतलब मेरी नज़र में इवन एक चमचा ले रहे लड़की के घर से, वो भी डौरी है, क्योंकि दे आर नॉट सपोज टू गिव यू. व्हाट आई वुड सजेस्ट हियर इज, एक सही ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आदमी को ऐसी बीवी चाहिए जो उसको जन्नत तक लेके जाए और उसके बच्चों को सही तरबियत दे, दीन और दुनिया. जी. तो आज से आप डिमांड शुरू करिए, कम से कम 10-12 साल में आना शुरू हो जाएंगे नतीजे. हाफिज़ आएंगे, आलिम आएंगे. मेरे पास कई प्रोफाइल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंजीनियर्स है, एमटेक्स है एंड डॉक्टर्स है विद हाफिज़. माशाल्लाह. और मैं समझता हूँ कि एक बार हाफिज़ कोई बन गया तो उसके लिए बाकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है. जब दीन लेके आ जाएंगे आप, उसके बाद कम से कम एक 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब ये न्यू कपल्स अपने बच्चों के रिश्ते करने लगेंगे, उसके बाद उनको दुनिया की परवाह ख़त्म हो जाएगी. उनको ये पता रहेगा कि इस्लाम में शादी सिंपल करना है, मेहर देना है, डॉरी का डी भी भूल जाएंगे वो लोग. तो ये आप पहले यानी डिमांड तो क्रिएट करिए, बस एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब एक रिश्ता आता है, पेरेंट्स लड़का और लड़की के अलावा जो अतराफ के जो लोग होते हैं, जैसे ख़ास दोस्त बोलते हैं या उनके घर वाले हैं, रिश्तेदार, उनका ज़्यादा दबदबा रह रहा है आजकल इस बात पर. इज इट हार्मफुल या इज इट एडवाइजेबल? आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स जी, बोथ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज, कि पहले रिश्ता जी खुद ढूंढ लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए कि अच्छा है, तब अपने रिश्तेदारों को सिर्फ मिलाइए कि हम यहाँ रिश्ता कर रहे हैं. उससे पहले आप बिल्कुल खुद कर सकते बेहतर है, नहीं तो कोई प्रोफेशनल सर्विस लीजिए, इंक्वायरी ज़रूर करवा लीजिए. उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए. अगर आप उनकी राय लेते बैठ जाएंगे, यू विल एंड अप नोवेयर. मैं देखता हूँ कई रिश्ते मेरे पास होकर, कई बार तो रस्म होकर, हमारे खाला को नहीं पसंद आई, हमारे फूफू को नहीं पसंद आई, हमारे ताई, फॉर गॉड से रहना किसको है, वो लड़के को, वो लड़की को, और वो दोनों ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे इस रिश्ते को. अब ठीक है, दूसरे लोगों के राय तो चलते रहते हैं, एंड दे विल एडजस्ट. जब ये दोनों को पसंद है रिश्ता, लेट देम गो अहेड. जनरल मास सोसाइटी जो है आजकल मुस्लिम्स की, लड़के लड़की उनके माँ बाप, बी देम बैचलर्स लड़के लड़कियाँ या सेकंड मैरिज के लिए भी अप्रोच हो रहे हो, जो आजकल एक टैबू हो गया सोसाइटी में. आप देखेंगे अरे सेकंड मैरिज है नहीं करते हम, दूसरा है वो है. क्या चेंज होना है इनकी मेंटालिटी? क्योंकि शादी आसान जितना इस्लाम में दिया गया, उतना ही मुश्किल सोसाइटी आज कर दी उसको. तो आपकी क्या राय इसके ऊपर? अपनी मेंटालिटी को सिंप्लिसिटी में लाइए, कॉम्पिटिशन हटा दीजिए कि मेरे तायरे भाई का रिश्ता ऐसा हुआ, खलेरी बहन का रिश्ता इसी जगह हुआ, मुझे भी इसी जगह करना है. इसको निकाल दीजिए. अपनी बेस्ट ज़िंदगी के लिए दुआ करिए, और अल्लाह सुबहान तआला कुरान में फरमा रहे कि नेक मर्द के लिए नेक औरत और नेक औरत के लिए नेक मर्द. अब रही बात क्या चेंज होना चाहिए इस मेंटालिटीज़ में,
It's not an easy answer. मैं हजारों फैमिली से मिलता हूँ. हर किसी की इंडिविजुअल थॉट्स हैं एंड टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि उनको रहना भी है, उनको अपनी आइडेंटिटी है. उनकी थॉट्स आप इन जनरल नहीं बदल सकेंगे जब तक कि आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट हर मस्जिद में हर जुमे में इस टॉपिक पर बात होना शुरू हो जाए. खुतबा होता ही जुमे का करंट सिनेरियो पे बात करने के लिए, दीन के बारे में बात करने के लिए, जो आजकल हो रहा नहीं. नो वन इज टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो. हर मस्जिद में अगर 3 मिनट हर खुतबे में अगर शादी रिलेटेड टॉपिक वहाँ पर लिख लिया जाए कि भाई ये 4 जुमे 1 महीने के 3-3 मिनट कैसा कवर करना है, उस तरह करना शुरू करें. विल मेक लाइफ वेरी ईजी फॉर कमिंग जनरेशन. इतनी जल्दी नहीं आएगा कोई रेवोल्यूशन. मैं बहुत कोशिश किया हूँ मुबारक रिश्ते में, लेकिन देखिए हर किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनकी अपनी ख्वाहिशात है. अब आप उसको एकदम से ब्रेक नहीं कर सकते. इनिशिएटिव आना चाहिए, लेना ज़रूरी है, लेकिन इट्स एवोल्यूशन, बहुत स्लो प्रोसेस है. इसको आप एकदम करने जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं होगा एक्सेप्ट. फाइनल जो पॉइंट मेरा ये है कि हम देखें कि मुबारक रिश्ते इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फिलहाल हैदराबाद में, और एक्सपेंशन के आपके प्लान्स भी है दूसरे सिटीज में. हाउ इज मुबारक रिश्ता बेनिफिशियल ये सिनेरियो में? आज के हालत देख के आप मुबारक रिश्ता किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? सर द मेन एक्स फैक्टर ऑफ मुबारक रिश्ते आई कंसिडर इज नंबर ऑफ प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड विद अस. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज. डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, MS है, US में रहने वाले लोग हैं, गल्फ में, हैदराबाद के सेटल्ड बिजनेस फैमिलीज है. तो वी विश यू ऑल द बेस्ट. और मुबारक रिश्ता द लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल सेंटर हैदराबाद में, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि कोशिश आप करें कि पूरे इंडिया में आपका नाम रोशन हो, शादी आसान करें शाहनवाज साहब सबके लिए. ये था एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन शाहनवाज मोहम्मद साहब के साथ. और आप अपनी तरफ से कमेंट करिए नीचे कि क्या क्या आप सोसाइटी में प्रॉब्लम्स फेस करें या लोगों को करते हुए देखें, और आपके हिसाब से उसका सोल्यूशन क्या है. और मेक श्योर मुबारक रिश्ते का लिंक्स वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो ज़रूर चेकआउट करें. और अगर आप चाहें तो उनके ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं. तो बहुत जल्द हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आगे आने वाले हैं. अभी कई वीडियोस बाकी हमारे, हॉन्टेड हाउस रहो या लुमिनाटी के, हम लोग भूले नहीं, हमारे को याद है. इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग आपके आगे लाएंगे. मेक श्योर टू लीव अ लाइक, कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा.